बसमिल्ला uh, हम टॉपिक कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ तो इसके दो डिफरेंसेस हमने कर लिए थे वो दो डिफरेंसेस पहले रिकॉल कर लेते सिविल लॉ की डेफिनेशन क्या है एक मरतबा फिर मैं आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ द लॉ विच रेगुलेट्स एंड गवर्नस द रिलेशन ऑफ में सोसाइटी वो लॉ जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है उसको सिविल लॉ कहते हैं एग्जाम्पल एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है बी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से इनकार कर दिया बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ए को लॉस हुआ है हो रहा है होगा तो ये इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं हम सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं ये जो एग्जाम्पल है इसमें स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व स्टेट के इधर इन्वॉल्व नहीं है स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस सिचुएशन तो वो लॉ जो सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है उस लॉ को कहते हैं सिविल लॉ फिर आगे क्या लिखा हुआ है द लॉ विच इज कंसर्न विद प्राइवेट राइट्स एंड रेमिडीज वो लॉ जो

ऑफेंस और क्राइम का क्या मतलब है ऑफेंस और क्राइम का मतलब है एक्ट बाय लॉ वो अमल जिसको स्टेट रियासत ने किसी कानून के जरिए फॉरबिडन डिक्लेयर कर दिया है आ, वो अमल है मर्डर रॉबरी डकैती, किडनैपिंग, हाई चैकिंग काउंटर फीटिंग जाली करेंसी नोट बनाना एबडक्शन टेररिज्म तो वो लॉ कौन सा वो लॉ है पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड ताजी पाकिस्तान तो स्टेट ने क्या किया है इस कानून पीपी के पीपीसी के जरिए इन फॉर्मेटिन एक्ट की डेफिनेशन दी है रॉबरी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है डकेती की प्रॉपर डेफिनेशन है किडनैपिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें उनके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डेफिनेशन दी है और पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है तो इनडायरेक्टली लॉ ये कह रहा है अगर आप ये काम कमिट करते हैं तो इसका मतलब यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस यू अ क्राइम और आपको पनिशमेंट मिलेगी जो इसमें प्रिस्क्राइब है तो क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जो स्टेट और वो इंडिविजुअल दो सू कमिट क्राइम्स उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है तो सिविल लॉ में दो तरफ दो इंडिविजुअल है क्रिमिनल लॉ में एक तरफ स्टेट है दूसरी तरफ इंडिविजुअल है तो क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जो स्टेट एंड दो सू कमिट क्राइम्स उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है उसके बाद हमने सेकंड डिफरेंस देखा था ये हम रिकॉल कर रहे हैं ये दो डिफरेंसेस हम कर चुके थे अगर एक शख्स के सिविल राइट्स के इन्फ्रेंचमेंट हुई है अगर एक शख्स के सिविल राइट्स के खिलाफ वर्जी हुई है तो नोटिस कौन लेगा तो जिसके सिविल राइट्स के खिलाफ वर्जी हुई है जैसे हमने बहुत सारी एग्जाम्पल ली थी हॉस्पिटल का सर्जन आपके स्टमक में टॉवल में टॉवल और सीजर भूल गया है पेशेंट के स्टमक में

तो जिसके राइट्स के खिलाफ वर्जी हुई है वही केस फाइल कर सकता है तो ये जो हमने एग्जांपल ली ए और बी की इसमें बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है बी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ए को लॉस हुआ है तो ए ही है जो बी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है ए के अलावा बी के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकता हाँ एक पॉसिबिलिटी है ए किसी थर्ड पर्सन सी को ऑथराइज कर दे तो वो ऑथोराइज पर्सन ए के बिहा पे ए के नाम से ए के लिए बी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है क्रिमिनल uh, लॉ में केस कौन फाइल करेगा इन केस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम कोई मर्डर हुआ है जो मर्डर हुआ है, वो लावारिस से उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो इन केस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम को नोटिस ले या ना ले स्टेट रियासत हराल में नोटिस लेगी

स्टेट हराल में नोटिस लेगी यहां तक हमने कर लिया था ये सारी सिंपल कॉमन सेंस की गुफ्तगु है कोई इसमें फलसफा नहीं है अब हम आगे आते हैं डिफरेंस नंबर थ्री एक सिविल केस है एक क्रिमिनल केस है सिविल केस दोबारा एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मॉनिटरी तो कर करता मुझे ये लॉस नहीं होता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देता मुझे ये लॉस नहीं होता तो ये केस किसने फाइल किया बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ए ने फाइल किया तो जो सिविल केस फाइल करते उसको प्लेनिव सिविल केस उसको क्लेमेंट भी कहते हैं क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ से कुछ मांग रहा है क्या मांग रहा है घर की दीवार ऊंची कर रहा है इससे मेरे घर में कुदरती रोशनी कुदरती हवा कम हो जाएगी बंद हो जाएगी इसको दीवार उची करने से रोका जाए वो कोर्ट ऑफ लॉ से कुछ मांग भी रहा है इसलिए उसको क्लेमेंट भी कहते हैं सिविल तो केस ज कॉल्ड प्लेटिव इस कॉल्ड अ क्लेमेंट तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी के खिलाफ सिविल केस फाइल किया है कोर्ट ऑफ लॉ फर्स्ट हियरिंग पहली पेशी में उसके खिलाफ जजमेंट डिलीवर कर देगी कोर्ट ऑफ लॉ उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि वो अपने आप को डिफेंड करे तो जिसके खिलाफ सिविल केस फाइल हुआ है उसको कहते हैं डिफेंडेंट डिफेंडेंट तो सिविल केस की दो पार्टीज हो गई And defendant. आगे आते हैं क्रिमिनल केस क्रिमिनल केस हमेशा स्टेट फाइल करती है वो मुस्लिम स्टेट हो हिंदू स्टेट हो जोश स्टेट हो क्रिश्चियन स्टेट हो सेकुलर स्टेट हो तो स्टेट फाइल करेगी अब स्टेट रियासत के पास गोश घोषप का जिसम तो नहीं है तो स्टेट के ब्याप पे स्टेट के ब्याप पे उसका एक एजेंट उसका एक नुमाइंदा वो क्रिमिनल केस फाइल करेगा उस नुमाइंदों को कहते हैं सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो क्रिमिनल केस हमेशा स्टेट रियासत फाइल करेगी वो मुस्लिम स्टेट हो जोश स्टेट हो स्टेट के बयान पर उसका एजेंट क्रिमिनल केस फाइल करेगा उस एजेंट को कहते हैं सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन ये कौन शख़्स है आप पूछ सकते हैं ये एक लॉ ग्रेजुएट है इसने एक एग्जाम एक दिया और एग्जाम देने के बाद यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील बन गया तो प्रोसिक्यूशन फ़ाइल्स क्रिमिनल केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट अब आपका सवाल यह बनता है कि जी वो मेरे मोहल्ले मेरे मोहल्लेदार के घर में रॉबरी हुई है डकेती हुई है मर्डर हुआ है रेप हुआ है क्या वो क्रिमिनल केस फाइल नहीं करेगा नो no. वो जाके थाने में सिर्फ एफ आई आर लिखवाएगा वो थाने में एफ आई आर लिखवाएगा एफ आई आर अच्छी लिखवाने के लिए कि उसमें लॉ के सारे रेलिवेंट सेक्शन इंक्लूड हो वो एक लॉयर की सर्विसेज़ हायर कर सकता है एफ आई आर लिखवाएगा उसके बाद उसके लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म क्रिमिनल केस हमेशा सरकारी वकील फाइल करेगा जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं ये मॉडर्न दुनिया में हो रहा है वरना इस्लामिक लॉ में ये नहीं है इस्लामिक लॉ में वही केस फाइल करेगा जिसके घर में रॉबरी हुई है डकैती हुई है मर्डर हुआ है तो पाकिस्तान में भी क्रिमिनल केस स्टेट फाइल करती है नहीं, सरकारी वकील क्रिमिनल स्टेट फाइल करता है अब जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल हुआ है उसको कहेंगे एक्यूज तो क्रिमिनल केस में दूसरी पार्टी हो गई एक्यूज एक्यूज का मतलब है ये वो बंदा है जिसके ऊपर चार्ज है जिसके ऊपर एक्जिशन है जिसके ऊपर इल्जाम है इसने मर्डर किया इसने रॉबरी की की है इसने की है इसने डकैती इल्जाम का लगना है एक बात और बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ उसका होना, प्रूव होना बात मैंने आपके ऊपर चार्ज एक्जिशन इल्जाम लगाया कि आपने मेरा सेल चोरी कर लिया है ये एक बात है और बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इसका प्रूव होना एस्टैब्लिश होना दूसरी बात है तो इसीलिए एक्यूज के हवाले से कहावत है एक मैक्सिम है एक कहावत एक मैक्सिम है वो मैक्सिम क्या है वो मैक्सिम लिख लेते हैं एन एक्यूज एन एक शल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट एन एक शेल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट एन एक शेल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट एक को वही रिस्पेक्ट वही प्रोटोकॉल दिया जाएगा वही इज्जत दी जाएगी जो कि इनोसेंट पर्सन को दी जाती है उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा उसके ऊपर थर्ड डिग्री एक्सरसाइज नहीं की जाएगी उसको रात भर जगाने के लिए हजार वोट का बल्ब उसके ऊपर नहीं रखा जाएगा तो एन एक्यूज शेल बी प्रेज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूव एन गिली अंटिल प्रूव एन गिली हा अगर गिल्ट क्राइम एक्विजिशन चार्ज इल्ज़ाम बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉज के खिलाफ प्रूव हो गया तो उसको बस वही पनिशमेंट मिलेगी जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की है जो लॉ ने स्पेसिफाई की है ऐसा नहीं है कि हर कोई आते जाते उसको छिटर मारेगा क्या तूने रॉबरी की थी डकैती की थी हर कोई उसको पर हाथ साफ करेगा नो। तो ये एक लॉ की कहावत है इसको कहते हैं मैक्सिम ओके तो सिविल केस की पार्टी क्या हो गई प्लेटिव एंड डिफेंडेंट प्लेटिव को उर्दू में कहते हैं डिफेंडेंट को उर्दू में कहते हैं मुद्दा अल है. तो प्लेटिव हमारे एग्जाम्पल में ए मार्केट से अपने चॉइस के लॉयर की सर्विसेज कर सकता है मार्केट में हजारों लॉ ग्रेजुएट है प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो लॉयर की सर्विसेज कर सकता है इसी तरह डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है सिविल केस फाइल हुआ है वो भी मार्केट से अपने चॉइस के लॉयर की सर्विसेज़ हायर कर सकता है तो इनके अपने लॉयर्स होंगे स्टेट प्रोवाइड नहीं करेगी क्योंकि दिस इज अ मैटर बिटवीन टू तो इंडिविजुअल दिस इज अ सिविल मैटर दिस इज सिविल केस क्रिमिनल केस में ये तो है ही वकील सरकारी वकील है इसने स्टेट के बेहा पे खिलाफ केस फाइल किया है मार्केट से अपने चॉइस के लॉयर की सर्विसेज हायर कर सकता है इवन वो जो कुलबर्षण यादव पकड़ा गया था इंडियन लॉ एजेंट उसको भी लॉयर दिया गया था और उस लॉयर ने कॉम्पिटेंसी के साथ उसका केस किया है तो हर बंदे के पास ये राइट है कि वो लॉयर की सर्विसेज हायर करे बेशक उसके ऊपर मर्डर मर्डर का एक्विजिशन हो टेरिज्म का एक्विजिशन हो अभी तो एक्विजिशन है ना अभी नहीं हुआ प्रूव नहीं हुआ है

चीजें आइडेंटिटी आइडेंटिफाई की जाती है विदर नेम्स विद टाइटल्स तो आप ये कहेंगे दुनिया में लाखों करोड़ों सिविल केसेस हैं क्रिमिनल केसेस हैं किसी केस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे है उनका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो मेंटेन होता होगा तो अगर किसी पुराने केस का रिकॉर्ड निकालना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली अ केस मस्ट हैव सम टाइटल तो किसी केस का टाइटल कैसे बनता है तो यहां पर पहले सिविल केस का टाइटल देखते हैं अमजद वर्सेस वर्सेज हाई कोर्ट कराची 2022 अमजद और बकर के दरमियान कोई सिविल डिस्प्यूट हुआ होगा कोई भी घर की घर की डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन डिफेक्टिव गुड्स की डिलीवरी फैक्ट्री में प्लांट सही तरह इंस्टॉल नहीं किया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो अमजद और बकर के बाकर के दरमियान डिस्प्यूट डेवलप हो गया अमजद ने बाकी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि जी इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसने डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन किया इसने ये किया ये किया तो ये केस अमजद ने फाइल किया बाकी के खिलाफ अमजद हो गया प्लेटिफ बाकी रोगे डिफेंडेंट तो पहला नाम जो आपको दिखाई देगा वो प्लेटिव का नाम होगा दीवान फाइल्स सिविल केस जो सेकंड नेम है वो डिफेंडेंट का नाम है दीवान अगेंस्ट होम द सिविल केस इज फाइल्ड हाई कोर्ट कराची का केस है 2021 का केस है तो हमें इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या नजर आ रहा है नंबर वन नेम ऑफ द पार्टी द नेम ऑफ द प्लेटिव नेम ऑफ द डिफेंडेंट पहला नाम हमेशा प्लेटिव का होगा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है नंबर वन नेम ऑफ द पार्टीज नंबर टू नेम ऑफ द कोर्ट नंबर थ्री द ये कौन सा ईयर जिस तारीख को केस फाइल किया के गया वो साल ना कि जिस तारीख को जजमेंट आया तो दिस पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन द नेम ऑफ द पार्टीज द नेम ऑफ द कोर्ट द ईयर दिस पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द टाइटल ऑफ अ सिविल केस अभी अमेरिका में जॉनी डेप पायरेट्स ऑफ द करेबियन सी का हीरो और उसकी वाइफ अंबर हट के दरमियान डिवोर्स सेपरेशन और मुख्तलिफ चार्जेस के हवाले से सिविल मैटर चल रहा था फैमिली मैटर चल रहा था तो उस केस को आइडेंटिफाई करेंगे पार्टीज के नाम से पार्टीज के नाम से तो सिविल केस का के टाइटल में ये ये होगा अब क्रिमिनल केस के टाइटल में आते हैं क्रिमिनल केस के टाइटल में क्या होगा अकरम, कोर्ट, स्टेट वर्सेस हाई हाईकोर्ट लाहौर क्रिमिनल केस हमेशा स्टेट फाइल करती है स्टेट के पे उसका रिप्रेजेंटेटिव क्रिमिनल केस फाइल करता है वो रिप्रेजेंटेटिव एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होता है उसको हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं तो अकरम जो है वो अक्यूज है, है उसके ऊपर चार्ज है एक्विजिशन है उसने मर्डर किया है रॉबरी की है डकैती की है किडनैपिंग की है हाई कोर्ट लाहौर का केस है और 2023 का केस है तो हमें क्या बात समझ में आई क्रिमिनल केस के टाइटल में पहली पार्टी हमेशा स्टेट होगी सिविल केस के टाइटल में कोई भी हो सकता है बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पीएसओ उस्मान वर्सेस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो इसके अंडर कंस्ट्रक्शन घर के पिलर्स तोड़ के चले गए थे यूनिलीवर वर्सेस सीमेंस लेकिन क्रिमिनल केस के टाइटल में पहली पार्टी हमेशा स्टेट होगी तो ये डिफरेंस था पार्टीज लिटिगेंट्स के हवाले से लिटिगेंट्स का लिटिगेंट्स का मतलब है वो लोग जो लिटिगेशन में इन्वॉल्व है लिटिगेशन का मतलब है मुकदमा तो सिविल केस में पार्टीज और लिटिगेंट्स कौन होते हैं प्लेंटिफ डिफेंडेंट क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन और अक्यूज ये सिविल केस का टाइटल हो गया एक क्रिमिनल केस का टाइटल हो गया हासलावस्ता